देखिए भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे और आपका भाई भी एकदम मस्त है। आज स्पेशली मैं आपको दिखाने वाला हूँ शक्कर का प्रोसेस, शक्कर किस तरह से तैयार की जाती है, और गन्ने भी दिखाऊंगा आपको, ढेर सारे गन्ने, और गन्ने से निकलने वाला जूस वो भी आपको दिखाएंगे, और पूरा का पूरा शक्कर का जो प्रोसेस रहने वाला है वो भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आया हूँ अपने मामा जी के घर के आसपास, और इस तरफ उन्होंने लगाया है बेलना। बेलना किसको बोला जाता है, ये सबसे पहले आपको बता दूं कि बेलना जिसमें गन्ने डाले जाते हैं, जो मशीन होती है एक तरह की, और इंजन उन्होंने लगाया हुआ है और उससे उसको चलाया जाता है। भाई ये वाला जो रास्ता, ये जाता है शिमला के लिए, और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर आगे पड़ता है डाला मोड़। तो अभी भाई ये इस तरफ शक्कर बनाई जा रही है, तो यहीं से चलेंगे हम, यहीं से रास्ता है। ये है भाई रास्ता, तो यहाँ पे थोड़ी खाई भी है इस तरफ, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ मामा जी के, जहाँ पे मामा जी ने पशु वगैरह रखे हैं, और घर तो वैसे इनके इस साइड है आगे जाके। ये है भाई इंजन, और इस तरफ है गन्ने, और देखिए इंजन की सहायता से ये मशीन, यानी कि बेलना बोलते हैं हम लोकल बोली में, ये चलता है। और इस तरफ सामने ये जो देखिए ये पीपा रखा हुआ है टीन, तो इसके बीच में निकलता है जूस, और गन्ने यहाँ से इस तरफ डाले जाते हैं यहाँ पे। तो ये तो आपने देखे होंगे रोड साइड जो जूस पिलाते हैं ठेले वाले, तो ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको बता दूं कि इस तरफ अगर बात करें तो देखिए आप चार ओर गन्ने के जो छिलके हैं, यानी कि सूखे हुए, इनसे जूस निकाल दिया गया है। तो आसपास आप देखिए कितने बिखरे हुए हैं। ये जो आपको बड़ा कड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें डाला जाता है जूस, और यहाँ पे इसको रखा जाता है, इसको बोला जाता है भट्टी, और यहाँ से इसमें डाले जाते हैं गन्ने के छिलके इस तरह के, ये देखिए ये जो है, और इनसे ही इसको जूस को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, यानी कि जब तक ये अच्छे ढंग से उबल नहीं जाता, और उबलते उबलते ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है, और बीच में से बार बार ये देखिए ये छन्नी रखी हुई है, इसको होते हैं झारना, इसे जो छिलके वगैरह है वो निकाले जाते हैं, और ये जो डंडा जैसा रखा हुआ है साथ में, इससे थोड़ा सा इसको हिलाया जाता है ताकि गाढ़ापन अच्छा रहे। और ये जो धुआं है ये देखिए उस तरफ निकलता जाके, ये आपको चिमनी जैसी दिखाई दे रही है, यहाँ से इसमें छेद है ये देखिए, और इस तरफ है चिमनी, तो यहाँ से निकलता है धुआं। ये देखिए भाई यहाँ पे गांव के लोग गन्ने लेके आ रहे हैं साथ में, और थोड़ी देर में अभी यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो गई, यानी कि बेलना शुरू किया जाएगा, और ये गन्ने काफी लंबे लंबे हैं। ये देखिए गन्ने कितने लंबे लंबे गन्ने हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इकट्ठे किए जाएंगे, जब तक ढेर नहीं लगता बहुत बड़ा, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस शुरू होगा, और ये लोग लेबर वाले हैं ना, और भाई के हैं गन्ने, यानी कि इनका अपना खेत है, वहां से ढुलाई हो रही है अभी। ये देखिए भाई यहाँ पे पशुओं के लिए चारा जो है मशीन से कुतरा किया जा रहा है, और काफी बढ़िया मशीन है, साथ में हरा घास और सूखा घास जो है मिक्स किया जा रहा है, और ये पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक रहता है। और इस तरफ है काउ सेट, ये देखिए काफ़ी अच्छी नस्ल की ये गाय है, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये गाय लगभग 10 से 12 लीटर दूध तो देती होगी। और ये है भैंस का बच्चा, इस तरफ भैंस है, और ये देखिए कितनी सुंदर ये गाय है। इस तरह से हमारे गांव में कई लोगों ने गौएं पाली हुई है, और ये जो काऊ सेट है ये इस तरह के आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और देखिए कितनी जबरदस्त ये गाय है। और इस तरफ है गाय का बच्चा, ये देखिए छोटा सा कितना प्यारा है। ये देखिए ये कुतरा करके लाए टोकरा भर के, और पशुओं को यहाँ पे डाला जा रहा है।
ये जो भाई ये गाय है, ये इस बड़ी गाय की है, यानी कि ये इसकी माँ है। और भाई साहब ने यहाँ पे बताया कि ये गाय जो है 12 से 15 लीटर नहीं देती है, इसका रिकॉर्ड है 20 लीटर। ये होस्टन गाय है। अच्छा, इसका ज़्यादा है, इसका कितना है? अच्छा, 15-18 ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, ये पहले, हाँ जी बिल्कुल, ये बोल रही है कि पिछली बार 15-18, 19-20 के बीच में था इसका, तो इसका और ज़्यादा जाएगा। और ये देखिए भाई, ये है 8 महीने का बच्चा, ये कट्टी है ना। हाँ, और ये इस भैंस का बच्चा है, तो इस भैंस का जो रिकॉर्ड है ये है 15 लीटर। ये आप देखिए, 15 लीटर ये दूध देती है। भाई जो मशीन है गन्ने से जूस निकालने वाली, वो फिलहाल ख़राब हो चुकी है। लगभग 1 घंटा उसको अभी रिपेयर करने के लिए लगेगा। और मैं लाया हूँ साथ में, ये देखिए गन्ना, तो मैं अभी गन्ना खा लेता हूँ और बचपन की यादें अपनी ताज़ा कर लेते हैं। मज़ा आ गया। इस तरफ है सामने भाई गन्ने की खेती, है देखिए ये गन्ने के खेत हैं, और कुछ इस तरफ लगाए हुए थोड़े बहुत जार। ये लो भाई, पास में लेकर आया हूँ गन्ने का खेत। देखिए इस तरह से गन्ना लगता है, ये देखिए, और ये इस तरह से बांधना पड़ता है, और अच्छे से ग्रोथ होती है अगर इनको बांध के रखे हम। ये देखिए, ये है हमारे मामा जी। हो गया तैयार इंजन, इंजन ही मोटर क्या बोलते हैं, बेलना तैयार है भाई। भट्टी के ऊपर हमने कड़ाह को रख दिया है, और अभी आग जलाएंगे और थोड़ा सा इसको हम धोएंगे। और फाइनली हमारी मशीन यानी कि बेलना भी ठीक हो चुका है। ये देखिए भाई, यहाँ पे गन्ने का जो रस है यहाँ पे डाला जा रहा है, और बोरी भी लगाई है साथ में, ताकि जो छिलके हैं कूड़ा है ऊपर रह जाए, और जो गन्ने का रस है वो बिल्कुल इसमें साफ है। ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल भी कूड़ा कचरा नहीं है। जैसे ये पूरा टब यहाँ तक भर जाएगा, लगभग इस लेवल तक, उसके बाद इसके नीचे जो है आग जलाने का काम शुरू किया जाएगा, और इसको बिल्कुल उबाला जाएगा, और उबालते उबालते इसको बिल्कुल जब ये गाढ़ा हो जाएगा, उसमें ये जो साथ में ये डंडा जैसा रखा हुआ है, इसके साथ इसको बिल्कुल थोड़ा सा मेल्ट किया जाएगा, और जैसे ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद इसको यहाँ डाला जाएगा। लगभग 3 से 4 मिनट इस टीन को भरने के लिए लग रहे हैं। ये देखिए, ये है भाई शक्कर, ये अभी थोड़ी देर पहले निकाली, और ये जो बना हुआ है लकड़ी का है। ये देखिए, ये शक्कर है, और ये बता दूं आपको कि ये काफी मीठी है। हम तो हर साल यूज करते ही हैं, ये अपनी देसी शक्कर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। बोलते हैं कि सोडा मिलाया जाता है, तो यहाँ पे सोडा बिल्कुल भी नहीं मिलाया जाता, ये बिल्कुल प्योर है। कॉस्टली तो है परंतु प्योर है, यानी कि इसमें मिलावट 1% आपको नहीं मिलेगी। नीटू भाई, क्या रुपए किलो है वैसे शक्कर गांव में हमारे?
ये बोल रहे मेरे पिताजी के पास जाओ। जवाब माँ के देने। हाँ बिल्कुल। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछली बार हमने 120 रुपए किलो खरीदी थी, तो इस बार हो सकता है शायद 130 हो, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि आप देखिए कि आजकल वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो यहाँ पे भट्टी है और साथ में यहाँ पे देखिए छिलके वगैरह कंटिन्यू डालने पड़ते हैं, एक आदमी को तो यहीं बैठना पड़ता है, और ये जो डंडे रखे हुए साथ में इससे बार बार अंदर करने पड़ते हैं, और मतलब यानी कि हिट के पास बैठना पड़ता है। भाई ये गर्म गर्म है बिल्कुल, हाथ में पकड़ी नहीं जा रही है। फिलहाल मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ। लाजवाब। और मेरे साथ हैं मेरे फादर साहब, वे भी शक्कर खा रहे हैं ताजी ताजी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और घी के साथ इसका प्रयोग ना जबरदस्त होता है, बिल्कुल देसी घी चाहिए, और वो भी अपनी गाय का, घर में गाय पाली हो तो मजा ही कुछ और है। ये देखिए शक्कर, ये देखिए भाई, इस तरह से इसको हिलाना पड़ता है ताकि थोड़ी सी हवा बीच में लगती रहे, और थोड़ा सा इसको बीच बीच में मसलना पड़ता है इस तरीके से, ताकि अच्छे से सूख जाए, और इसी में से आपको बता दूं कि गुड़ भी निकलता है। क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं, साकर खाएं भाई। 15 लीटर का पीपा होता है यानी कि टीन, और उसमें निकलती है एक पुड़िया 24 किलो की ना, 24 किलो की मामी जी बता रहे हैं, एक पुड़िया तैयार करने के लिए यानी कि 15 लीटर का जो टीन है वो कितने लगते हैं? आठ लगते हैं, 8 × 3 = 15 के, और उसमें निकलेंगी 24 किलो शक्कर। फाइनली भाई मैं पहुंच चुका हूं घर में, और यहां पे हम लोग बना रहे आज गन्ने के रस की खीर, और पंजाब में तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, और जो पंजाब के साथ सीमा के साथ लगते इलाके हैं जैसे बिलासपुर और कांगड़ा और साथ में आपका ऊना, वहां पे इसका प्रचलन ज्यादा है। गन्ने के रस की खीर आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो अभी बाद में आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे कैसी बनेगी। और ये है हमारा बिलासपुरी चूल्हा। स्वरा पंडित और नन्नू खाना खा रहे हैं। खीर नहीं खाई बेटा? नहीं खाई? क्यों, क्या खा रहे हो? राजमा। वेरी गुड भाई, ये है खीर। थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाता हूँ, ये देखिए, वाह, खाने को दिल कर रहा है, वैसे इच्छा तो थी नहीं। देखने के लिए बनाई है भाई। थाली में मैंने खीर लगा दी, और थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ और फिर आपको बताते हैं कैसी है। वाह यार वाह, क्या बात है, जबरदस्त। हाँ जी, चूसने के लिए। क्या बोल रहे हो? खाने के लिए नहीं, चूसने के लिए। कैसी चूसने के लिए? चूसते थोड़ी है खीर, खाते हैं बेटा। अरे खीर खाते हैं। अरे नहीं खाते। एक तरीका भाई ये है जूस निकालने का, जो रोड की साइड जूस बेचते हैं, देखिए मजा आ गया भाई, सुपर।